द्वारिका की बात है। भगवान की समस्त पटरानियां जब भी अपने कार्यों से निवृत्त होती हैं तो सबके मन में इच्छा होती है कि हमको कुछ ठाकुर जी की लीला या चर्चा सुनाई जाए। चलते फिरते कभी देवकी मैया कोई चरित्र सुनाती हैं, कभी रोहिणी जी कोई चरित्र सुनाती हैं, लेकिन आधे अधूरे ही रह जाते हैं। तो एक दिन समस्त कृष्ण पटरानियों ने रोहिणी जी को बुला करके कहा, रोहिणी मैया ऐसी हैं बलराम जी की मैया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रोहिणी मैया का स्वरूप स्वभाव आपको इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, ठाकुर जी की ब्रजलीला मथुरा लीला और द्वारिका लीला तीनों लीलाओं का संपूर्ण दर्शन करने का सौभाग्य यदि किसी को मिला है तो वो रोहिणी मैया को मिला है। संपूर्ण ब्रजलीला का दर्शन भी रोहिणी मैया ने किया, संपूर्ण मथुरा लीला का और द्वारिका लीला सारी लीलाओं का दर्शन रोहिणी मैया ने किया है। तो भगवान की पत्नियों ने रोहिणी मैया से कहा, मां आप एक जगह बैठ करके धैर्य पूर्वक ठाकुर जी की संपूर्ण लीला हमको सुनाओ, ब्रज लीला सुनाओ। रोहिणी मैया कहने लगी, जब एक जगह बैठ के ही पूरी कथा होगी तो फिर सबको निमंत्रण दो, सबको बुलाओ, विधिवत कथा होगी, पूरे ब्रजमंडल की लीला हम सुनाएंगे, ठाकुर जी के जन्म से लेकर के अब तक की संपूर्ण लीला सुनाएंगे, सबको बुला के लाओ, बहुत ध्यान पूर्वक शांति से बैठ के सब लोग सुनना। तभी रुक्मणी आदि अष्ट पटरानियां कहने लगी, मां सब आएंगे लीला में लेकिन तीन लोग वर्ज्य रहेंगे, तीन लोगों को निषेध है कथा में आना। रुक्मणी जी बोली, कौन? रोहिणी मैया बोली, कौन? बोले सबसे पहले तो बलराम जी, जे नहीं आने चाहिए कथा में। रोहिणी मैया बोली, वाह वक्ता के पुत्र को ही नहीं आने दोगे कथा में? हमारे लाला हैं बलराम जी, हम कथा सुनाएंगे, हमारे पुत्र को नहीं आने दोगे? अब मां आप समझो ना, वो जेठ जी हैं और जेठ के आगे हमको इतना संकोच लगेगा कि जेठ जी बैठे हैं, कभी घूंघट करना, कभी आपने कोई कीर्तन गाया तो नाचने में भी संकोच होगा, जेठ जी बैठे हैं, इसलिए आप कृपा करके उनको तो दूर ही रखना। बेचारे बलराम जी के साथ में एक एक अन्याय तो हुआ कृष्ण लीला में, इसी कारण से जब रासलीला होती है तो रासलीला में हम गाते हैं, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे सूरज नाचे चंद्र नाचे तारे नाचे सब ब्रह्मांड नाच रहा है, केवल एकमात्र बलराम जी नहीं नाचे। बलराम जी को रास में भी नहीं आने दिया किसी ने, क्यों? बलराम जी आए तो थे, जैसे ही रास में बलराम जी आए सब गोपियों ने घूंघट कर लिया, सब जेठ ही मानती हैं इनको, क्योंकि गोपियां भी सब कृष्ण को पति मानती हैं, ये बड़े भैया हैं जेठ हो गए। जैसे ही गोपियों ने घूंघट किया गोपियां सब खड़ी हो गई, अब ठाकुर जी हाथ पकड़े नाचो, गोपियां कहें जेठ जी खड़े इनके आगे कैसे नाचे? तो ठाकुर जी बोले, दाऊ दादा ये सब गोपियां नृत्य कर रही हैं, देखो गोपी बने शंकर जी भी घूम रहे हैं, गोपी बने ब्रह्मा जी भी हैं, सब गोपी हैं, आज आपको भी गोपी बन के आना पड़ेगा। दाऊ दादा बोले, मैं बनूंगा गोपी, मैं तो ना बनो। तो बोले, अब यहां तो एक ही पुरुष है मैं, बाकी सब तो गोपी हैं, आप अब संकोच हो रहा है ठाकुर जी कैसे कहें कि बाहर चले जाओ। बलराम जी समझ गए कि भैया हम बड़े हैवे को दुर्भाग्य हमारो कि हम यहाँ खड़े नहीं रह सकते, बेचारे बलराम जी चले गए। आज भी स्थान है, गिरिराज जी की परिक्रमा अगर कच्ची वाली आपने लगाई हो भीतर वाली तो कच्ची परिक्रमा लगाओगे तो वहीं पर स्थान पड़ता है लुक लुक दाऊ जी, क्या नाम है, लुक लुक दाऊ जी, वहां बैठ करके कुंज में छिप करके
श्री दाऊ दादाजी नेत्रों से नीर बहा रहे हैं और राज बिहार का दर्शन कर रहे हैं, वहां से लुक लुक कर रहे हैं, देख रहे हैं राज बिहार, इसलिए उस स्थान का नाम है लुक लुक दाऊ जी। वहां बैठ करके संपूर्ण राज का दर्शन किया बलराम जी ने। आज भी वही हुआ, सब कृष्ण पटरानिया कहने लगे, बोले कि कथा में तीन नहीं आएंगे, सबसे पहले बलराम जी पर, जेठ जी हैं उनके आगे हम, कथा में संकोच होगा। रोहिणी मैया बोली ठीक है। दूसरा बोले, दूसरी सुभद्रा, बोले सुभद्रा जी क्यों नहीं आएंगे, बोले बहुत चंचल हैं। अरे कथा सुनते सुनते हमारे नेत्रों में अश्रु आ गए और हम कहीं रोने लग गए तो आके सामने बैठ जाएंगी। आप रो रही हो, क्या बात है, रो क्यों रही हो, अरे लीला ही तो सुना रही है मैया, आप रो क्यों रही हो। वो बहुत चंचल हैं, बहुत पूछती रहती हैं, बात बहुत करती हैं, इसलिए आप सुभद्रा जी को भी कह दो कि वो भी नहीं आवे कथा में। रोहिणी मैया बोली ठीक है। और तीसरे, बोले तीसरे द्वारिकाधीश, बोले क्यों, उनकी तो लीला है, बोले इसीलिए तो नहीं बैठाना। अब आप कहोगे कि ठाकुर जी पीरी धोती पहन के नेक्स से ठाकुर जी त्रिभंग लली ठाकुर जी मटक मटक के चल रहे हैं, अब कथा सुनकर के चिंतन करना चाहिए, हम चिंतन तो करेंगे नहीं, उनको देखेंगे, अच्छा ऐसे चल रहे थे। आप कहोगे कि वह गोपी के यहां जाकर के ऐसे माखन चुराए, तो चिंतन तो हम करेंगे नहीं, उन्हीं को देखती रहेंगी। और कथा में वक्ता के वाणी और वक्ता के अलावा कोई और देखें, किसी और को देखना पड़े तो फिर कथा का रस नहीं आता। आजकल ये हो रहा है कथाओं में, झांकियां बना के रख देते हैं मंच पे, हम कोई विरोध नहीं कर रहे, पर कथा में नहीं होना चाहिए झांकी। कथा में झांकी कब आती है पता है, जब कथा में मन नहीं लगता तो झांकी बना बना के लाते हैं, चलो इससे तो मन लगे लोगों का, वो आकर्षण के लिए होता है, वो मनोरंजन के लिए होता है। कथा में तो वक्ता की वाणी सुनो, नेत्र बंद करके जो वो कह रहे हैं उसका चिंतन चित्त में करो, मन का मंथन होना चाहिए, मनोरंजन नहीं। और क्षमा करें, अगर द्वारिकाधीश यहां बैठ गए तो आप बोलोगे हमारे, हम चिंतन करेंगे किसका, हमारे सामने ही बैठे हैं जिनकी आप कथा सुना रही, तो इसलिए उन्हीं को देखती रहेंगी हम तो। और फिर स्वभाव आ जाता है ना, जिसकी प्रशंसा सुनाई जाती है तो हम उसको छिड़, अच्छा तेरी बात बता रहे हैं, हैं ऐसे करता है, ये होता है। अब बोले आप कुछ भी बताओगी हम श्री कृष्ण को, अच्छा तो ये सब किया आपने, तो इस कारण से कथा में वो भाव नहीं बन पाएगा जो बनना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी को भी कथा में मत बुलाओ। रोहिणी मैया बोली, तुमने उन तीन लोगों को निषेध किया जिन तीन से पूरी द्वारिका चल रही है, द्वारिका में पत्ता नहीं हिलता इन तीनों के बिना, और तुम कह रही हो कि तुम पूरी कथा सुन लोगी इन तीनों के बिना। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, उपचार कुछ सोचो, कुछ विचार करो कि ये तीन कैसे रुकेंगे कथा में आने से। तो भगवान की पत्नियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान है सत्यभामा। रुक्मणी जी तो बहुत सीधी हैं, रुक्मणी जी बहुत सहज है, रुक्मणी जी तो कह भी रही थी आने दो कोई बात नहीं पीछे बैठ जाएंगे तीनों। सत्यभामा ही अड़ी है, ना 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 तीनों नहीं आने चाहिए। सत्यभामा जी बोली एक उपाय है। बोले क्या? बोले इन तीनों को एक खेल में व्यस्त करा देते हैं, एक खेल खेलते रहेंगे उसी में व्यस्त रहेंगे, इतनी देर हम कथा सुनते रहेंगे, बहुत दिन हो गए, अब ये बड़े हो गए तीनों, इन तीनों को इनका बचपन याद कराया जाए। रोहिणी मैया बोली वो कैसे होगा? बोले जिस दिन ये तीनों संग बैठे होंगे हम उनके सामने चौसर खेलेंगे, चौसर बहुत प्रिय है तीनों को, और चौसर भी गलत सलत खेलेंगे, तो हमको सही करने के लिए वो तीनों बैठ जाएंगे, और तीनों जैसे बैठेंगे चौसर खेलते खेलते उसी में व्यस्त हो जाएंगे और हम यहाँ आकर के कथा सुनने लग जाएंगे। रोहिणी मैया बोली ठीक है, तुम्हारी तरकीब अच्छी है, लगाओ। वही हुआ, एक दिन सत्यभामा, जाम्बती, रुक्मणी जी, कालिंदी, सारी सब बैठी हैं और सब बैठ करके चौसर खेल रही हैं, और चौसर खेलते खेलते अब जोर जोर से हंसने की आवाज आई, तो सुभद्रा जी ने तुरंत देखा, बोले हो क्या रहा है, देखा तो भाभियां सब खेल रही हैं।
आकर के सुभद्रा जी जब देखने लगी तो देख के बोली, ये तो गलत खेल रही है, ऐसे थोड़ी खेला जाता है। रुको, मैं भैया को बुला के लाती हूँ, मैं दिखाती हूँ कैसे खेलते हैं, हम तीनों तो निपुण हैं। और तुरंत कृष्ण बलराम को लेकर के सुभद्रा जी आईं और चौसर की सेज पर बैठ गईं और वहां चौसर खेल खेल के दिखाने लगी। तीन पक्ष बट गए, कुछ बलराम जी के, कुछ ठाकुर जी के, कुछ सुभद्रा जी के, सब पत्नियां बट गईं। अब तो थोड़ी देर तो इनका उत्साहवर्धन किया, हाँ हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अरे बलराम जी आप तो कमाल हो, कभी ठाकुर जी आप कमाल हो, ऐसे सब नाटक हो रहा था वहां पे। इतने में धीरे 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 पीछे से उठ करके सब पत्नियां ठाकुर जी की जा रही थी। और जैसी खेल समाप्त होने लग जाए तो सत्यभामा जी ऐसा कुछ करें कि वो चौसर का पूरा जो स्थान था, जो पूरा सामने रखा था, वो हिल जाए, तो अरे अब तो दोबारा से होगा और फिर शुरू हो जाए। ऐसे खेल में तीनों को तन्मय करके समस्त पटरानियां एक सभा गृह में चली गईं और रोहिणी मैया आसन पर विराजमान होकर के ब्रज लीला सुनाने लगी। यहां पर चौसर में जीत गई कौन? सुभद्रा जी। अब सुभद्रा जी जैसे ही जीती, जीत करके उन्होंने कहा देखो भाभी जी जीत गई, देखी तो वहां कोई भी नहीं, सबरी चली गई। भैया एक भाभी जाए, दो जाए, दस जाए, समझ आती है, 16,000 चली गई, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमको कहीं पर फंसाया गया है। और देख नहीं रहे हो, बिल्कुल शांति छा गई है पूरे महल में, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं है, ताल में कुछ काला तो है। ठाकुर जी बोले हमें तो पूरी दाल ही काली लग रही है, कुछ काला नहीं है, ढूंढो। और ढूंढते ढूंढते पहुंचे, एक विशाल सभागृह था। रोहिणी मैया नेत्र बंद करके संपूर्ण लीला सुना रही हैं और सामने बैठ करके समस्त कृष्ण पटरानियां भाव आवेश में, भाव विभोर होकर के ठाकुर जी की लीला सुन रही हैं। श्री यशोदा मैया लाल जी के छोटे छोटे हस्त कमलों में अपनी उंगली दे करके उनको चलना सिखा रही हैं। नन्ने नन्ने चरणों से ठाकुर जी कैसे चल रहे हैं, और जैसे ही चलते हैं यशोदा मैया अपनी उंगली हटा देती है, ठाकुर जी दोनों भुजा खड़ी करके एक पैर आगे रखते हैं और रख करके फिर ऐसे दामाडोल होते भय से नीचे गिर जाते हैं। ये सब लीलाएं बता रही हैं, सब पत्नियां हंस भी रही हैं और नेत्रों से प्रेमाश्रुओं को पहुंच करके यशोदा मैया को याद भी कर रही हैं। तभी प्रसंग आया कि श्री यशोदा मैया ठाकुर जी को पकड़ करके दिल्ली लंगवावे ले गई हैं। लाला तू अब चलनो सीख गयो है, चल अब दिल्ली लांग ले, चलनो तो आ गयो, अब दिल्ली लांगनो सीख ले। लाल जी दिल्ली पे चढ़ तो गए लेकिन पल्लंग को गहराई इतनी ज्यादा है कि ठाकुर जी नीचे उतर नहीं पा रहे हैं और अपने पाम के अंगूठासों बार बार नीचे देख रहे हैं कि जमीन आई कि नहीं, अब मैं उतरूं कि नहीं। और जैसे ही नीचे पाम करें जमीन गहरी है, सो ठाकुर जी जोर जोर से रो रहे हैं। यशोदा मैया कह रही है अरे लाला तू काय को रो रहा है, सो तुतला के ठाकुर जी कह रहे मैया जे दहली ना जे दहली मुकू मार है, जे दहली ऊंची है गई है, या तो कह दे ये नीची है जाए। ऐसी मधुर लीलाएं श्री रोहिणी मैया यशोदा मैया की और ठाकुर जी की बाल लीला की सुना रही है। सब नेत्र बंद करके भाव में कथा श्रवण कर रहे हैं। और तभी उस सभा के द्वार पर तीनों का आगमन हुआ, बलराम जी, बाल कृष्ण और सुभद्रा। बलराम जी, द्वारिकाधीश, सुभद्रा तीनों आए और तीनों ने आकर के जैसे चुपचाप देखा कि कथा चल रही है, मधुर लीला सुना रहे हैं, ठाकुर जी ने दोनों से कहा चुपचाप पीछे चल करके बैठे, ये हमसे छुप करके कथा कही जा रही है ताकि हम ना सुन लें, चलो पीछे बैठ के सुनेंगे। और ठाकुर जी बिल्कुल सहमे से गए और सबसे पीछे जाकर के बैठ गए तीनों।
बीच में सुभद्रा जी बैठी हैं एक तरफ, बलराम जी दूसरी तरफ, ठाकुर जी, और बैठ करके मधुर वह रस चर्चा सुनने लगे। सुनते 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 यशोदा मैया के प्रसंगों को, ब्रजवासियों के प्रसंगों को, श्री ठाकुर जी प्रेम की अवस्था में प्रवेश करने लगे। प्रेम जब प्रकट होता है ना बंधुओं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, प्रेम जब प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में विपरीत अवस्था भी अच्छी लगती है। प्रेम जब प्रारंभ होता है तो प्रेमी को रात में निद्रा भी ना मिले तो भी अच्छा लगता है, भोजन ना मिले तो भी अच्छा लगता है, पानी ना मिले तो भी अच्छा लगता है, अनुकूल वातावरण का कमरा ना मिले, बिना एसी का कमरा मिल जाए तो भी अच्छा लगता है, बस प्रेमी संग होना चाहिए, प्रेम की प्रथम अवस्था है। प्रेम की द्वितीय अवस्था जब प्रारंभ होती है तो प्रेमी की परीक्षाएं शुरू होती हैं। फिर जो प्रेमी है वो इस अवस्था में आ जाता है कि वो अपने प्रेम को तो मान चुका है कि मैं इससे बहुत प्रेम करता हूं, वो सामने वाला मुझसे प्रेम करता है कि नहीं उसकी परीक्षाएं लेना प्रारंभ करता है। फिर वो ऐसा कुछ करता है कि जिससे पता चले कि ये मुझसे प्रेम करता है कि नहीं। तीसरी अवस्था में रूठना, मनाना, मान लीला प्रारंभ हो जाती है। चौथी अवस्था में स्वीकारीकरण और विश्वास आ जाता है। पांचवी अवस्था में प्रेम अब पुष्टता की ओर बढ़ता है तो दोनों में वियोग की भावना, संयोग वियोग, कभी राजी कभी रूठ गए, कभी राजी कभी रूठ, संयोग वियोग आत्मक भाव रहता है। छठवीं अवस्था में प्रेम विरह प्रदान करता है, कोई भी एक थोड़ा दूर हो जाएगा, अगर प्रेम सच्चा होगा तो विरह प्रारंभ होगा। प्रेम केवल बहाना रहा होगा या केवल आसक्ति रही होगी तो उस विरह से किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। छठवीं अवस्था का प्रेम प्रारंभ होते ही अगर प्रेम सच्चा है तो विरह आएगा। सातवीं अवस्था में व्याकुलता आ जाएगी। अब पहले तो अच्छा लग रहा था इसलिए भोजन भी मन नहीं होता था, सोने का मन नहीं होता था, पर अब व्याकुलता इतनी बढ़ गई है, व्याकुलता के कारण भोजन नहीं प्रिय लगता, निद्रा नहीं प्रिय लगती। प्रेम की आठवीं अवस्था ये हो जाती है कि चिंतन करते 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 प्रेमी का जित देखूं उतित श्याममयी है, जिसको देखते हैं उसमें प्रेमी दिखने लग जाता है, इसकी चाल मेरे प्रेमी जैसी है, इसका मुख मेरे प्रेमी जैसा है, वो हंसता था तो ऐसे ही हंसता था, वो बैठता था तो ऐसे ही बैठता था, वो बोलता था तो ऐसे ही बोलता था। प्रेम की नौवीं अवस्था जब आ जाती है तो प्रेम प्रगाढ़ और वियोग की चरम स्थिति आ जाती है, तब व्यक्ति जड़ और चेतन का भी भ्रांति नहीं रख पाता, जड़ से भी पूछने लग जाता है, जड़ से भी चर्चा करने लग जाता है, जैसी गोपियों की हो गई थी। भगवान के वियोग में वृक्षों से पूछ रही है, तुमने श्याम सुंदर को देखा? तुलसी से पूछ रही है, अरे तेरे बिना तो वो भोजन ही नहीं करते, तूने उनको देखा? मयूर से पूछती हैं, तुमने उनको देखा? तुझे तो सिर पे धारण करते हैं। प्रेम की नौवीं अवस्था आ जाती है, और प्रेम की जब दसवीं अवस्था प्रारंभ होती है तो प्रेमी अपने प्रेमी का चिंतन करते 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 प्रेम विगलित होने लग जाता है। जैसे एक मोमबत्ती में अग्नि प्रज्वलित करने पर वो पिघलने लग जाती है, ऐसे प्रेमी के सर्वांगीण अंग पिघलने लग जाते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, कोई चर्चा मत कीजिए, हमारी प्रार्थना है। ठाकुर जी ने जब कथा में बैठना और श्रवण करना प्रारंभ किया तो ब्रजवासियों की याद आने लगी, अपनी लीला सुन के मुस्कुराने लगे, अच्छा सा लगने लगा, फिर विपरीत अवस्था भी अच्छी लगने लगी,
धीरे 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 कथा आगे बढ़ने लगी। ठाकुर जी उन उन अवस्थाओं को पार करते गए, पार करते करते छठवीं सातवीं अवस्था में आकर के ठाकुर जी अपना हृदय पकड़ करके सहलाने लगे, ब्रजवासियों की याद आने लगे। सातवीं आठवीं अवस्था आते ही श्री ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगे। सभा गृह में दिखने वाली ब्रज जैसी कोई भी वस्तु उसको ठाकुर जी जा करके अपने हृदय से लगाने लगे। मेरी मैया कहाँ है, मेरे बाबा कहाँ है, मधुमंगल श्रीदामा सब कहाँ है, इस प्रकार ठाकुर जी ढूंढने लगे। अपनी पटरानियों में ही किसी के रूप को देख करके कहते हैं श्रीदामा ऐसो ही लगे, मेरो मधुमंगल ऐसो ही दिखे, रोहिणी मैया को देख के यशोदा मैया ऐसी लगे, बलराम जी को देख के कहते हैं दाऊ दादा हमारे नंद बाबा ऐसे ही लगे। ठाकुर जी की ऐसी अवस्था प्रकट हो गई। सब बैठे सहमे देख रहे हैं केवल। जैसे ही विरह की प्रेम की दसवीं अवस्था प्रारंभ हुई, सुभद्रा जी गई दौड़ करके ठाकुर जी को एक जगह स्थान पर लाकर के बैठाया, संभालने लगी। पर रोहिणी मैया तो भावावेश में आकर के कथा कहती जा रही हैं, सुनते 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 प्रेम की दसवीं अवस्था में जैसे ही प्रवेश किया, ठाकुर जी की भुजाएं खड़ी हो गईं, बलराम जी की भुजाएं खड़ी हो गईं, मानो मानो आवाहन कर रहे हूं, अरे भैया कोई जाओ जाके ब्रजवासिन को लाके हमारे हृदय से लगा दो। दसवीं अवस्था प्रारंभ होते ही श्री ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा, नेत्र पिघल गए, नासिका पिघल गई, कान पिघल गए, मुखमंडल पिघलने लगा, हस्तकमल पिघलने लगे, चरण पिघल गए, उदर पिघल गया, सर्वांगण श्री अंग पिघलने लगा श्री ठाकुर जी का। प्रेम अपनी स्थिति में होता है तो नेत्रों से आंसू निकलते हैं, पर प्रेम जब चरम स्थिति में जाता है तो व्यक्ति की चरम भी पिघलने लग जाती है। हम संसारी मानव पांचवी श्रेणी से ऊपर नहीं जा सकते प्रेम की में, क्योंकि हमारा प्रेम इतना है ही नहीं। उससे ऊपर की स्थिति में जाते ही सबको अपना स्वार्थ दिखने लग जाता है। हम कभी दसवीं अवस्था, नौवीं अवस्था, सातवीं अवस्था में नहीं जा सकते, हमारी स्थिति केवल पंचम अवस्था तक है। जैसे वियोग प्रारंभ होता है, वियोग आते ही हमको अपना स्वार्थ दिखता है, और स्वार्थ दिखते ही हम अपने प्रेमी का त्याग कर देते हैं, उससे मिलने वाले विरह को हम सह नहीं पाते। ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा। ठाकुर जी की इस अवस्था को देख करके देवता त्राही माम करके दौड़ने लगे। दौड़े दौड़े गए श्री नारद जी के पास और नारद जी से जाके कहा, नारद जी कुछ करिए, अगर रोहिणी मैया की कथा को अभी रोका नहीं गया तो श्री ठाकुर जी संपूर्ण जल निमग्न हो जाएंगे। तुरंत नारद जी महाराज आए। कथा इतनी इतनी प्रबल स्थिति में पहुंच चुकी है कि वहां जाकर के विक्षेप नहीं डाल सकता कोई, पर श्री नारद जी महाराज ने ठाकुर जी की स्थिति को देखा और देखते हुए तुरंत रोहिणी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए अपना करताल बजाते हुए रोहिणी मैया के भाव को भंग किया। नेत्र खुले रोहिणी मैया के, नेत्रों से विरल अश्रुधार गिर रही है, लाल पड़ गए नेत्र। नारद जी आप तो कथा के इतने रसिक हैं, फिर कथा में विघ्न कैसा? नारद जी महाराज ने इशारा किया, मैया सामने देखो, पीछे बैठे द्वारिकाधीश बलभद्र और सुभद्रा, तीनों प्रेम की दसवीं अवस्था पार कर चुके हैं, उनका श्री अंग पिघल रहा है। यदि मैं आपकी कथा को थोड़ी देर और नहीं रोकता तो तीनों जल निमग्न हो जाते, नदी बनकर के बहने लगते। बंधुओं द्वारिका कभी जाइएगा तो गोपी तलाव का दर्शन कीजिएगा, कृष्ण विरह में गोपियां जल निमग्न हो गईं। बिंदु सरोवर का कभी दर्शन कीजिएगा,
वहीं पर सिद्धता नाम की नदी है जो कि भगवान श्री कपिल की मैया देवहूति माता प्रेम की अवस्था पार करके नदी बन के बहने लगी। कालिंदी प्रेम की अवस्था पार करके नदी बन के यमुना जी बन गई। भगवान शिव का प्रेम ही श्री गंगा के रूप में परिवर्तित हो गया। प्रेम की अवस्था को जिसने पार किया वो बहने लगा। यदि उस समय नारद जी नहीं आते, कथा को नहीं रोकते, तो शायद जगन्नाथ प्रभु भी बहने लगते, कोई नदी ही प्रकट हो गई होती द्वारिका में। रोहिणी मैया से कहा, कथा को यहीं विश्राम दीजिए, ठाकुर जी का श्रीअंग पिघल रहा है। सब दौड़ करके गए, देखा बलभद्र सुभद्रा और श्री जगन्नाथ श्री द्वारिकाधीश, तीनों का श्री अंग प्रेम विगलित हो गया। नारद जी महाराज रुदन करने लगे, चरणों में प्रणाम करने लगे, भगवान आप अपने रूप में प्रकट हो जाइए नाथ, ऐसा मत कीजिए। जगन्नाथ द्वारिकाधीश कहने लगे, नारद जी पूरे विश्व को बताने के लिए कि प्रेम की अवस्था क्या होती है, ये स्वरूप मेरा सदा तुम्हारे चित्त में रहेगा। मैं अभी अपने पूर्व रूप में आ जाऊंगा, पर मेरे स्वरूप को तुम अपने चित्त में धारण करके रखो। कलिकाल में व्यक्ति इतना ज्ञान सहन नहीं कर पाएगा, वैराग्य अपने जीवन में ला नहीं पाएगा, पर वो प्रेम का अधिकारी बन पाएगा। उसको प्रेम स्वरूप बताने के लिए, प्रेम किसे कहते हैं यह दर्शाने के लिए, मेरा यह स्वरूप तुम्हारे हृदय से कलिकाल में पुनः प्रकट होगा। तब तक के लिए इस स्वरूप को तुम अपने चित्त में विराजमान कर लो। और वही ब्रजवासियों का प्रेम, वही श्री किशोरी जी, वही नंद बाबा यशोदा मैया के विरह में प्रेम जो प्रकट हुआ द्वारिकाधीश का, वही रूप कलिकाल में इंद्रद्युम्न राजा के द्वारा इस धराधाम पर प्रकट हुआ, जिनका नाम विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ हुआ। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की।